कांग्रेस खराब, अमरेश भाई पटेल हरी लुंगी में पैसा बांध के देती है, कांग्रेस हलाल। इलेक्शन चला गया फिर कांग्रेस हराम, फिर कुणाल बाबा 4 करोड़ रुपया दे दिए फिर कांग्रेस हलाल। चलने दो घर की भी में फिर छापा करली ठेक सब चला। पता भाड़े की भीम में भी टीपी तो मुकाबला ऐसे शख्स से है दोस्तों, चुप भाई। और जब पैसे खामोश खामोश भाई भाई खामोश, मुफ्ती साहब की बात हो रही है अदब से। ये खंबा गिरी आएगा भाई। मैंने कल व्हाट्सएप पे लिखा कुछ लोगों को, मैंने बोला रोज सुबह उठ के फोन लगा लिया करो मुफ्ती साहब को, आज कौन सी पार्टी हलाल है, हम लोग हैं कि नहीं है एमआईएम में। रात को सोए थे एनजीटी में थे, सुबह उड़े तो 11 बजे मालूम हुआ, बोले अपन तो एमआईएम में चले गए। मालूम ही नहीं होता, सोते हैं तो दूसरी पार्टी में रहते हैं उनके झमुड़े, और जब उड़ते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि तुम आज ये वाली पार्टी में हो। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए, इसलिए कि हम पहले मुसलमान हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं खड़ा हूँ आसिफ साहब के बारे में बात करने के लिए, आसिफ साहब का इलेक्शन में लड़ने का आगाज कर रहा हूँ, अल्लाह का खौफ मुझे भी है। मैं भी एक हाफिज़े कुरान हूँ, मैं भी दीन की कुछ बातों को जानता हूँ, मुझको भी मरना है, मुझे भी अपनी कब्र में जाना है, मुझे भी अपने रब के सामने खड़े होकर जिंदगी में जो कुछ किया है उसका सवाल और जवाब देना है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो आता हूँ अत्ता वो कुल्लुम आती हूँ यौमल कियामती पर्दा। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाला आखिरी इंसान भी गिना हुआ है, मेरी गिनती में है, मैंने एक एक इंसान को गिन के रखा है। गर्दी होती है जब मुशायरे में, दो टिकट देते एक बीच में से गुजर होता कि नहीं, थिएटर में भी कभी ऐसा होता, चप्पू चला लेता आदमी, कहीं ना कहीं आदमी धोखा देने में कामयाब हो जाता है दुनिया में। आखिर के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी गर्दी रहेगी, याद रखना एक एक इंसान को मैंने गिन के रखा है, वो आता हूँ अद्दा वो कुल्लुहुम आती हिम यौमल कियामती फर्दा। एक एक आदमी मेरे पास अकेला अकेला आएगा, याद रखना, सुन लो बात, बहुत हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक सवाल है, हमारी जिंदगी का रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात है ये। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम में सब लोग अकेले अकेले मेरे पास आओगे और मेरे सामने खड़े होगे, जवाब देना पड़ेगा। उस दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे, तो उस दिन के जवाब के लिए भी हमें सोचना है कि हम यहां पर अगर खड़े हुए हैं तो कोई बात इस माइक की अमानत के ऐसी सुपुर्द न कर दें जो हमारा शहर किसी गुमराही में पड़ जाए, किसी धोखे में मुब्तला हो जाए, और हमारी जबान से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो हमारी आखिरत के लिए बवाल बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, ये ईमान वालों अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। उलमा ने लिखा है कि ये ओढ़ जो है एक अमानत है, और लोगों के दरमियान इंसाफ से मामला करो, अल्लाह तबारक तआला कुरान में खुद को देगा। सब सुन लो, आज किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, किसी महाज की बात नहीं हो रही है, एनसीपी की एमआईएम की कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, हम मुसलमान हैं, बात कुरान की हो रही है। आप सुन लीजिए, ये सियासत अभी 2 मिनट के लिए बाजू में रख लीजिए। पूरे शहर को मेरा कहना है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द कर दो, और लोगों के दरमियान इंसाफ का मामला करो और इंसाफ से फैसला करो। उलमा ने लिखा है कि किसी को उहदा या मनसब अता करने की जिम्मेदारी अगर हमारे पास है, और हमने अगर किसी गलत इंसान को हमने
نے عہدہ دے دیا, منصب سپرد کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے خبر دیتا ہے کہ اگر تم نے نا اہل کو عہدہ دے دیا تو تم سب ملعون ہو. یہ حدیث کی بات بول رہا ہوں میری نہیں. کیا کہہ رہے اللہ رب العزت کہ اگر تم نے عہدہ یا منصب کسی نا اہل کے سپرد کر دیا تو تم نا تم ملعون ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اگر اپنی دوستی, اپنی رشتہ داری, اپنے تعلق کی بنیاد پر کسی کو عہدہ دے دیتا ہے تو ایسا شخص ملعون ہے. اس کا کوئی فرض قبول نہیں, اس کی کوئی نفل قبول نہیں, اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا. سن لو بات طور سے, سیاست پر بات میں آئیں گے اپن. اپنے تمام لوگوں کی ذمہ داری جو ہم سب یہاں پر ہیں, بغیر اہلیت دیکھے, بغیر لائقی دیکھے, اگر کسی کو ہم نے منصب سپرد کر دیا, یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, اللہ کی لعنت کے مرتکب قرار دیے جائیں گے. میں آصف صاحب کو کیوں اوڑ دوں ایک سوال, اس کا ایک جواب, ایک دعویٰ. آصف صاحب بول رہے کہ میرا دعویٰ ہے مجھے اوڑ دو, میں آصف صاحب کو کیوں اوڑ دوں. تو آصف صاحب کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہے میرے پاس, پانچ سال بے مثال لکھتا ہے اس پر, یہ کتاب ہے, میں نے پانچ سال یہ کام کیا ہے, تم نے مجھے منصب تفویض کیا تھا, تم نے مجھے عہدہ دیا تھا, میں کہاں تک کامیاب ہوں, میرے اندر کتنی اہلیت ہے, میرے اندر کتنی قابلیت ہے. آپ کو اگر جاننا ہے تو لیجئے محترم یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش. جواب آ گیا. میں مفتی صاحب سے اگر سوال کروں تو صاحب میں آپ کو رپورٹ دوں یہ کاغذ روپئے کا چھپا ہے, یہ کاغذ ہے, اس کے اندر صرف کانگریس کی بولی, اس کے اندر صرف تیری اور میری, صرف الزام تراشی ہے, صرف شیخ حسین صاحب کتنے خراب ہے یہ لکھا ہے, کانگریس کتنی خراب ہے یہ لکھا ہے, آصف صاحب کتنے خراب ہے یہ لکھا ہے, اور بول رہے ووٹ مجھ کو دو. بھائی خراب یہ لوگ ہیں تو تم کو کیوں ووٹ دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی بیس اور کوئی بنیاد نہیں ہے. مفتی صاحب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے, اگر میں آپ کو اور دینے جا رہا ہوں تو کیوں دوں؟ آپ بتاؤ آپ کے اندر کیا اہلیت ہے, کیا صلاحیت ہے کہ آپ ڈنڈی مار نہیں ہو, کیا آپ نے حج کمیٹی میں اور دینے کا پیسہ نہیں لیا ایم ایل اے رہتے ہوئے, کیا آپ نے ایم ایل سی چناؤ میں پیسہ دے کر بھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں آپ کو اوڑ دوں میں؟ آپ نے کیا کام کیا پانچ سالوں میں؟ آپ بتاؤ مفتی صاحب میری جنت اور جہنم کا معاملہ ہے, انیس اظہر مفتی اسماعیل کو اوڑ دینا چاہتا ہے تو کیوں آپ کے مفتی محمد اسماعیل کافی شریعت کی روشنی میں جواب دے, شریعت کی روشنی میں میرے سامنے بیٹھے اور جواب دے کہ میں مفتی اسماعیل کافی کو کیوں اوڑ دوں؟ کون سی صلاحیت ہے آپ کے اندر, کون سی قابلیت ہے, آپ نے کون سا پانچ سال میں ایمانداری سے اپنی اہلیت کا اور اپنی صلاحیت کا کام کیا ہے, کون سا اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا ہے, کون سا ہمارے مفادات کا سودا نہیں کیا ہے آپ نے؟ سوال میں سوال کرنے میں اس لیے آپ بیانی ہو کہ میری اوٹ آتی ہے مجھے اور دینا ہے, صبح سات بجے میرے اپنی بیوی کو لے کر اہلیہ کو لے کر جانا ہے مجھے حساب مجھ سے ٹاؤن ہال میں اور دینا ہے, مفتی محمد اسماعیل قاسمی تک میرا پیغام کوئی پہنچائے کہ آپ کی صدر آپ کو اور دینا چاہتا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ شریعت سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو اوڑ دی جائے. آپ مفتی ہو نا تو پھر ہم بات آپ سے قرآن اور حدیث کی کریں, آصف بھائی کی بات تو جانے تو ابھی بات آگے چلے گی تو سب بات آئے گی, سب باتیں آئے گی, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ابھی پہلے قرآن کا حکم جو ہمارے سامنے ہے اس سے تو ہم کو بچاؤ کہ پورے شہر کو لعنت میں مبتلا کرنے کا پروگرام ہے آپ کا, کیا شہر کے اوپر عذاب لانا چاہتے ہو آپ, کیا کرنا چاہتے ہو, کیا باقی رہ گیا ہے ہمارے شہر کا, اور کون سا نقصان تم کرنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے, اس کا جواب تو دے دو, کیوں الیکشن میں کھڑے ہوئے ہو آپ؟ کوئی جواب نہیں, اگر کوئی جواب ہوگا تو بھائی بیچ میں سے کھڑے ہو کے کوئی جواب دے دو, اگر کوئی جواب ہوگا تو بتا دو کہ ہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے. میرے
दे। दोस्तों हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स मनसब का अहल नहीं होता उसके बाद भी ओहदा मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस ओहदे के सुपुर्द कर देते हैं। और कयामत के दिन पूछेंगे, फिर कयामत के दिन पूछेंगे। तो ये मामला अभी जो इलेक्शन है ना, अभी सियासी बातें अपन बाद में। अभी पहले मुफ्ती साहब ये बताएं कि अगर कुरान हदीस में तमाम बातें आई है, मेरे पास बहुत ढेर हदीस है, अभी मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर है, अभी बहुत ढेर बातें मैं आपसे करूंगा मुफ्ती साहब, कुरान हदीस के हवाले से करूंगा। मैं तालिबे इल्म हूं, अब बहुत बड़े आलिम है, आपसे पूछूंगा, मैं इन भाइयों से दवा बनाकर पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं आपको वोट क्यों दूं और शेख आसिफ को क्यों नहीं दूं। ले लेना कुर्सियां मेरी, इधर आ जाइए, जिम्मेदारी है। अगर मैं कोई नाजायज काम कर रहा हूं, अगर आप देख रहे हो, आप मुफ्ती हो, आपको रोकना चाहिए। पूरे शहर में देखा 100 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया हीरा गोल्ड में पूरे शहर का तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, जाय हो गया। क्या कहां पर थी ऑफिस? ऑफिस थी कहां? हजार खोली में थी। कहां थी ऑफिस बताओ? आपकी नाक के नीचे थी। जायज और नाजायज की बातें मुफ्ती आसिफ साहब का पंपलेट पढ़ लेना। ये सब कुछ होता रहा गुज़िश्ता 5 सालों में, आपने कौन सी अपनी शरीर जिम्मेदारी निभाई? आपने क्या कोशिश की शहर के माल को बचाने की, बेवाओं के माल को बचाने की, सरमाकारी करने वाले के माल को बचाने की? हीरा गोल्ड में लोग सरमाए लगाते रहे और आप खामोशी से तमाशा देखते रहे। मुझे शक है कि आपने नोएडा शेख से तोड़ी की थी। और उसके बाद हीरा गोल्ड का पैसा डूब गया। क्यों डूबा? क्यों डूबा आपको पता है? शहबाज शेख नामी एक शख्स को असदुद्दीन अवैसी ने नवीरा शेख के पीछे लगा दिया 10 साल पहले। वो मुसलसल उसके पीछे लगा रहा, यहां तक कि उसके ऊपर केस पर केस करता रहा, उसके खिलाफ कंप्लेन करता रहा, उसके बारे में वीडियो बनाकर वायरल करता रहा। और असदुद्दीन अवैसी उसकी सरपरस्ती करते रहे। क्यों? नवीरा शेख सियासत में आने वाली थी, नवीरा शेख तुम्हारे सामने चैलेंज बनकर खड़ी होने वाली थी, तुम्हारी सियासी दुकान बंद होने वाली थी। इसे तुमने साजिश की कि ये पार्टी उड़ जाए। अंजुमन में तुम्हें ये बारे में कोई भी रहम नहीं आया कि हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का, उम्मत का 2000 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले पैसा लगवाने में भी हजरत आगे आगे, और डुबवाने वाली पार्टी के साथ भी आगे आगे, लगाए भी दिया, बुझाए भी दिया। बोले मेरे को बहुत मिल्ली गैरत है। क्या है? हमारी मिल्ली गैरत का तकाजा था तलाक सलासा पर, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मिल्ली गैरत की बात अगर आई ना मुफ्ती साहब, 2 घंटे की तकरीर भी कम पड़ेगी, मैं आपकी मिल्ली गैरत कैसे साबित करूं? कौन सी बात है? धोखा दे रहे हो तुम। तुम्हारा टिकट कट गया एनसीपी से, तुम आसिफ शेख रशीद का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमने खराब पैदा किया और MIM में जाकर उड़ी मार दी तुमने, और अभी वहां पर भी आसिफ शेख रशीद तुमको पड़ गई है इंशाल्लाह, इसलिए कि तुमने मौका परस्ती की सियासत की है, तुमने पूरे शहर को झोंकने का काम किया है, तुमने पूरे शहर पर नापसंदीदा ठप्पा लगाने की नामजमून कोशिश की है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा। नवीरा शेख ने 100 करोड़ का हतक इज्जत का मुकदमा किया है अवैसी पर, 24 तारीख है अभी उसकी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अवैसी साहब जरा एक मतलब यहाँ आकर चले जाए, उसके बाद उनकी किताब मैं खोलूंगा स्टेज से, उसके बाद आप सुनना मैं बोलूंगा। जब इनको समझ में आएगा कि कुरान और हदीस का हवाला देना, कुरान और हदीस की मिल्लत की दुहाई देना आसान है।